Watch us on Sky 756 from 11th June. आर्मी पब्लिक स्कूल के तालिबे इल्म अहमद नवाज को बरतानवी पार्लियामेंट में डियाना अवार्ड से नवाजा गया। जाहिद खट्टक इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद क्या तासरात हैं उनके? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आर्मी पब्लिक स्कूल के साबिक तालिबे इल्म अहमद नवाज ने एक मरतबा फिर बरतानिया में पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इस मरतबा उनको बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। अहमद नवाज सही जानते हैं ये अवार्ड उसको किस कैटेगरी में दिया गया है। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ नौजवानों को इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, जिसमें ये अहमद नवाज को ये अवार्ड दिया गया है। किसने ये अवार्ड दिया है, किस वजह से इसको सेलेक्ट किया गया? अहमद नवाज, सबसे पहले मुबारक हो, माशाल्लाह एक मरतबा फिर पाकिस्तान का सर जो है वो आपने फखर से बुलंद किया, पाकिस्तानियों का क्या कहेंगे? जी, बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि एक दफ़ा फिर जो है तो बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि एक दफ़ा फिर हम मैं पाकिस्तान की जो एक इमेज है वो रिप्रेजेंट कर सके, एक पॉजिटिव इमेज। और ये अवार्ड जो है तो ये दुनिया भर से नौजवान जो होते हैं जो अपनी सोसाइटी में काम करते हैं तो उनको मिलता है। और मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए। ये अवार्ड जो है तो इनिशियली प्रिंसेस डियाना के जो बेटे हैं प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी ने स्टार्ट किया था, और ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि ये एक रॉयल अवार्ड है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अपनी ये काम जारी रखूं ताकि इस तरह और प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। अच्छा अहमद, ये बताइएगा ये अवार्ड आपको किसने दिया और कहाँ पे दिया और क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अवार्ड है तो जो इट्स डियाना अवार्ड की सीईओ है तो उसकी उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने हमें आगाह किया।